लोग उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। सो गाइस, आज जो है सैटरडे है, जैसे मैंने आप लोगों को पिछले सैटरडे बताया था कि हर सैटरडे मुझे छुट्टी हुआ करेगी, और आज मुझे छुट्टी है। और आज मौसम भी बहुत अच्छा है क्योंकि 14 अगस्त आ रही है, और आज कल रात जो थी बारिश भी हुई थी, और अभी जो है मेरे ख्याल से होगी, मुझे यही लगता है वेदर के हिसाब से, मुझे यही लगता है क्योंकि ऊपर बादल बादल थोड़े थोड़े आए हुए हैं, सूरज भी आने की कोशिश कर रहा है लेकिन बादल उसे आने नहीं दे रहे हैं। और आप लोगों को मिलेंगे नाश्ता खाने के बाद। सो गाइस, इस वक्त मैं नाश्ता कर रही हूँ, नाश्ता करके आप लोग से मिलूँगी, और आज मुझे कहीं जाना भी है। ये सामान आ चुका है जो मैंने मंगवाया था, वो आ चुका है। मैं आप लोग खुद ही गैस करो कि मैं आज क्या बनाने वाली हूँ। सो गाइस, आज लंच में है मैक्रोनी, हाँ बहुत गर्म है ये, और अभी इसे प्लेट में डालेंगे फिर आप लोगों को दिखाएंगे। सो ये हमने प्लेट में डाली है मैक्रोनी, और ये बहुत मज़ेदार लग रही है। जिस जिसको मैक्रोनी पसंद है वो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मुझे तो बहुत पसंद है। मेरी जो बड़ी सिस्टर है ना, सबसे बड़ी नहीं, उससे जो छोटी हैं उन्हें बहुत ऐसी चीज़ें बनाने का बहुत शौक है, इसीलिए उन्होंने आज ये बनाई है, और ये बहुत टेस्टी है। सारी खा जाऊँगी, अभी चम्मच लेंगे उससे आते खाएंगे। सो गाइस, अभी हो गया है ट्यूशन का टाइम, चलो अभी चलते हैं और फिर आके मिलेंगे, बाय बाय। सो गाइस, अभी मैं ट्यूशन से आई हूँ, इतनी तेज़ बारिश हुई थी, मैं गीली भी होकर आई हूँ। हमारे टीचर को फ़ोन आया था, तो मेरी मम्मा ने मैसेज किया था कि ना बच्चों को जल्दी फ्री कर दें, बच्चों को जल्दी फ्री कर दें क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। तो मेरी टीचर ने फटाफट काम करवाया और काम दिया, और फिर बाथरूम से और कहती कि टीचर कहती कि आप लोग चले जाओ, फिर हम आए और गीले हो गए। लेकिन मैंने अपने बैग को बचा लिया, क्योंकि अगर बैग को बचाना ज़रूरी है क्योंकि इसके अंदर किताबें हैं, और मैं खुद गीली हो जाऊँ लेकिन मेरा बैग ना गीला होता, लेकिन मुझे बहुत गंदा लग रही क्योंकि गीली की हुई हूँ। अच्छा ऐसा लोग है, अब मिलेंगे आप लोगों को बाद। सो गाइस, आज मैं ट्यूशन से जल्दी आ गई हूँ, आते सारे जैसे मैं आई हूँ, मतलब रस्ते में जो थी ना बारिश हो रही थी, जैसे मैं आई मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना पॉपकॉर्न बनवा जाए, और मैं पॉपकॉर्न खा रही हूँ तो बहुत अच्छा। सो गाइस, मैं इसीलिए तैयार हो रही हूँ क्योंकि गाइड साहब से आने से पहले मैं रेडी हो गई, क्योंकि मैं ट्यूशन से जल्दी आती हूँ, लेकिन मुझे लगता है मौसम ख़राब होने की वजह से गाइड साहब नहीं आने वाले हैं, लेकिन थोड़ी देर वेट करूँगी मैं। अगर नहीं आएंगे तो सीधा डिनर करूँगी और फिर आप लोगों को एक कहानी सुनाऊँगी। सो गाइस, आप लोगों को लग रहा होगा मेरे खुले बालों से कि मैं सोने वाली हूँ, हाँ ऐसे सोने वाली हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं आप लोगों को स्टोरी सुनाऊंगी, और बिजली भी जो है बंद है, इसलिए आपको फ़ैन की आवाज़ आ रही होगी, वरना एसी चलता है, और क्या कर सकते हैं, बिजली वालों की मर्ज़ी। और स्टोरी है चार दोस्त वाली, जो मैंने आप लोगों को दिखाई भी थी बाहर से, बस वो ही स्टोरी है। चार दोस्त हैं, वो होता है यूँ है कि एक आदमी होता है फैसू, वो जो है ना एक गधा होता है, गधे को ना अपने घर में रखता है, लेकिन ना उसका कारोबार नहीं चल रहा होता, क्योंकि वो गधा जो है बूढ़ा हो जाता है और उससे काम नहीं होता है, और फिर वो उसे अपने घर से ही निकाल देते हैं कि ये बूढ़ा आ गया, अब ये मेरे किसी काम का नहीं, अब मैं नया गधा रखूँगा, फिर उसे बाहर निकाल देते हैं। और फिर वो बूढ़ा कहता है कि वो गधा कहता है कि ना मुझे तो बचपन से सिंगिंग करने का बहुत शौक था, मैं शहर में जाऊँगा, वहाँ पर गाने गाऊँगा और बहुत ज़्यादा पैसे कमाऊँगा। फिर वो जाता है रास्ते में उसे एक कुत्ता नज़र आ जाता है, कुत्ता नज़र आ जाता है, और वो उससे पूछता है कुत्ते तुम यहाँ पर क्या करो, वो कहता है कि मेरे मालिक ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है।
तो वो कहता है चलो आओ, हम तुम्हारी भी आवाज़ बहुत अच्छी है, आओ हम दोनों शहर में जाकर गाना गाते हैं और पैसे कमाते हैं। फिर वो आगे जाते हैं, वहाँ पर होती है एक बिल्ली। बिल्ली कहती है कि मैं जो हूँ ना, वो पूछती है ना कि बिल्ली तुम ऐसे क्यों बैठी हो, कहती है कि मैं ना चूहों को पकड़ती थी और ना मेरी मालकिन ने मुझे मतलब अब वो चूहे नहीं पकड़ पाती, मैं चूहे नहीं पकड़ पाती हूँ और मेरी मालकिन ने मुझे घर से निकाल दिया। तो कहते हैं कि तुम भी हमारे साथ शहर चलो, हम मिलकर गाना गाएंगे और फिर खूब पैसे कमाएंगे। फिर वो आगे जाते हैं, वहाँ पर मुर्गा जो करता नहीं है वो कर रहा होता है, वो करता है। तो वो कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो वो कहते हैं कि ना मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ और कल फ्राइडे है, तो ना मेरी मेरे मालिक के घर में कोई मेहमान आ रहे हैं, वो मुझे जिब्बा करके उनके आगे रख देंगे और खिला देंगे, तो मैं उसके डर से मैं भाग कर यहाँ पर आ गया। वो सारे दोस्त कहते हैं चलो, वो कहता है गधा कहता है कि चलो आओ हम गाना गाते हैं शहर में जाके, खूब पैसे कमाएंगे। फिर वो उनको थक जाते हैं और जंगल में जाके पहुँच जाते हैं। वो सारे ना अपनी अपनी जगह में लेट जाते हैं। जो मुर्गा होता है सबसे ऊपर पेड़ में जो है ना बैठ जाता है, और उसे सामने रोशनी, एक घर में ना रोशनी नज़र आ रही होती है। तो वो कहते हैं कि वहाँ पर मुझे रोशनी नज़र आ रही है, चलो वहाँ पर चलते हैं, कुछ खाने को भी मिल जाएगा। जब वो वहाँ पर जाते हैं इतने अच्छे खाने पके होते हैं और इतनी अच्छी खुशबू आ रही होती है। उनका जो वो जो घर था ना, वो एक चोरों का होता है, जो चोरी करके उस घर में आते हैं, वो उनका खाना होता है और उन्हें अच्छी खुशबू आ रही होती है। वो कहते हैं कि बिल्ली कहती है कि सब्र पर सब्र का फल मीठा होता है, जरा सब्र कर लो तुम तीनों। तो ना क्या करते हैं कि वो ना चोर थोड़े से ना अंदर चले जाते हैं सोने के लिए, उन्हें नींद आ जाती है। वो ऐसे करते हैं, वो डर के उठ कर बाहर भाग जाते हैं कि कोई चुड़ैल आ गई होगी। वो डर के बाहर चले जाते हैं और वो सारा खाना खा जाते हैं। और फिर वो जो थे ना बाकी चार दोस्त, वो जो है ना एक गधा होते हैं शहर में जाके बैठ जाते हैं, कुत्ता जो होता है वो दरवाजे के पीछे जाके सो जाता है, और जो बिल्ली होती है अंगीठी के ऊपर जाके सो जाती है, और मुर्गा सबसे ऊपर वाली छत में जाके सो जाता है। फिर जब चोर अंदर आते हैं, वो कहते हैं कि कोई नहीं है भूल भूल। फिर वो अंदर आते हैं, जैसे ही वो आते हैं बिल्ली सामने ऐसे आ जाती है, वो डर के फिर वो डर ऐसे पंचो मार देते हैं यहाँ 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 यहाँ, फिर वो डर जाते हैं। फिर वो आगे दरवाजे के पास जाते हैं, वहाँ पर कुत्ते की वो पूंछ लगते हैं, वो नीचे गिर जाते हैं। फिर आगे जाते हैं, वहाँ पर गधा होता है, गधा जो है ना उसने लात मार दी थी और वो गिर जाते हैं। और फिर मुर्गा भी उड़ कर उनके सामने ऐसे आ जाता है, वो डर के भाग जाते हैं और वो सारे उस घर में रहने लग जाते हैं। बस इतनी थी ये स्टोरी। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट भी करें। अल्लाह हाफिज़। नया अगले दिन का ब्लॉग देखना मत भूलिएगा।